ये अपना अपडेट निकल के आ रहा है NHPC का, ये अपडेट है आपका NHPC का लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, न्यू वैकेंसी आ गया है और ये आज से फॉर्म भरना अप्लाई हो गया है, आज से फॉर्म स्टार्ट है। मैं इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ आपको। ये इनका मेन साइट है, आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन से वैकेंसी हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया है, मेरा 31 से लेकर आपको 21 फरवरी तक चलेंगे फॉर्म, मतलब आज से स्टार्ट है और ये आपके फॉर्म 21 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसमें आपको क्या मांगा गया है, ये आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तीन ब्रांच के लिए इसमें आपके का क्वालिफिकेशन है। फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए और बीटेक नॉट अलाउ है, मतलब बीटेक के लिए नहीं। अगर आपने डिप्लोमा किया है और बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट बीटेक किया है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ साथ आपको बीटेक भी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपके इसमें 60% मांगा गया है, आपका सिविल हो मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, तीनों में आपको 60% मांगा गया। और जो इसमें एज लिमिट दिया गया है आपके, इसमें 30 एज लिमिट यानी 30 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए, 18 से 30 साल तक। और ये सारे आपका कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है, जो आपका सिविल का है 68 है और जो आपका इलेक्ट्रिकल है इसमें 34 है और जो आपका मैकेनिकल है 31 सीट है, सारे सीट इसमें दिया हुआ है आपका। और इसके बाद आपके फॉर्म भरते ही समय आपको सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगाना होगा, आपको ID, फ़ोटो, साइन, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, डिप्लोमा। और जो इनकी फीस है आपकी, मैं फीस भी बता रहा हूँ आपको, फीस इसमें है आपके 295 रुपया प्लस GST है इसमें 18%, यानी 300 कुछ आसपास पेमेंट जाएगा आपको, 320 या 325 रुपये का पेमेंट जाएगा इसमें। और जो इनका टेस्ट सेंटर दिया गया है जहाँ पर टेस्ट होंगे, ये आपके 22 सिटी में टेस्ट है, अहमदाबाद है आपका, बेंगलोरी है, भोपाल है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ऑल ओवर इंडिया में मेन मेन सिटी में दिया हुआ है, दिल्ली, गुवाहाटी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, कोची, कोलकाता, ये सारे का सिलेबस है। जो इसमें सिलेबस दिया गया है आपके 140 नंबर का आपका डिसिप्लिन क्वेश्चन होंगे, यानी कोई बंदा इलेक्ट्रिकल से है तो उनके 140 नंबर के इलेक्ट्रिकल से होंगे, कोई मैकेनिकल से है तो 140 नंबर मैकेनिकल से होंगे, कोई सिविल से है तो 140 नंबर सिविल के होंगे, टोटल आपको 200 नंबर के हैं। और 30 नंबर आपका जनरल अम्बेयर से होंगे, जिसके GK GS सारे इसमें आ गए, करेंट अफेयर। और 30 नंबर आपके रीजनिंग से हो गए, 30 और 30 60 हो गया प्लस 140, 200 नंबर के हो गए आपके, 200 नंबर के होंगे। पेपर आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, पेपर में आपको टाइम दिया जाएगा 180 मिनट यानी 3 घंटे, और इसमें 200 क्वेश्चन होंगे आपको, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे इसमें। और इसमें साफ तौर पर दिया हुआ है कि बीटेक नॉट अलाउ विदाउट डिप्लोमा का, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, JEE के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई कैसे करना है मैं वही बताने वाला हूँ आपको। सिंपल सेक्शन में आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए ऐसे कुछ लिंक आपके पास खुल जाएगा। लिंक खुलते ही आप इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लास्ट डेट भी लिखा हुआ है 21 फरवरी तक, और यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते हुए यहाँ से आप, यहाँ से देखो लॉगिन का ऑप्शन आ गया, ये लॉगिन खुलते ही आपको आप यहाँ से अपना नाम, यानी मुझे JEE इलेक्ट्रिकल के लिए भरना है तो इलेक्ट्रिकल कर दिया, नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल आईडी, दोनों कंफर्म मेल आईडी कर देना है। उसके बाद आपको एग्री करना है, एग्री करते कैचअप डाल के फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको मोबाइल पर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, फिर लॉगिन करके सारे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।